अरे बेटा तुम इतनी जल्दी आ गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैंने सोचा तुम इतनी जल्दी नहीं आओगे। तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? हाँ, 50,000 रुपए की वसूली थी वो मैं कराया, और उसमें से 25,000 रुपए खर्च भी कर चुका हूँ। क्यों? प्रिया ने कहा मुझे, उसने मुझे कहा कि जब मैं यहाँ नहीं था आप लोग ने उसकी बहुत देखभाल की, उसका ध्यान रखा, उसे प्यार किया, तो मुझे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही चाहिए था ना। तुमने प्रिया से फोन पे बात की? मेरा मतलब है तुमने पापा से बात की? पापा से तो एयरपोर्ट पे ही बात हो गई थी। तुम प्लेन से आए? यस, प्लेन से, फर्स्ट क्लास। क्योंकि प्रिया ने मुझे कहा कि अगर मैं ट्रेन से आऊंगा तो लोगों से बातें होंगी, लोगों से बातें होंगी तो उन्हें पता चलेगा कि मैं भिमानी का दामाद हूँ, और भिमानी का दामाद ट्रेन से ट्रैवल करे अच्छा नहीं लगता है। बेटा, भिमानी का दामाद होना, उसमें ना अच्छी लगने वाली कौन सी बात है? लेकिन माँ, भिमानी का दामाद ट्रेन से ट्रैवल करे ये बात तो अच्छी नहीं है ना। और इसलिए तुमने 12,000 रुपये खर्च कर दिए? 12,800 की टिकट, और बाकी जो पैसे थे उससे मैंने प्रिया के लिए एक अंगूठी ली। सस्ती वाली ले रहा था, लेकिन प्रिया ने कहा कि महंगी वाली लेना, क्योंकि दुकान वाले को पता चलेगा कि सारी वसूली तुमने खर्च कर दी। अब दुकान वाले को ये बताने की क्या जरूरत थी कि तुम भिमानी के दामाद हो? अपने बाप का नाम नहीं ले सकते थे क्या? माँ, मुझे पापा का नाम लेते हुए शर्म आ रही थी। किस बाप का नाम लेता? उसका जिसने अपनी बहू को अपने घर से निकाल दिया पैसों के लिए। दीदी, वो नर्स है या नहीं वो मैं नहीं जानती। उसने पापा जी से ये कहा था कि उसके 2 बच्चे हैं, वो अकेली है। पहले वो हमसे 15 लाख रुपए मांग रही थी, फिर 25 मांगे, और अब 50 लाख रुपए मांग रही है। दीदी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब तुमने मुझे सरोगेटिंग के बारे में कहा था, तभी मैंने तुझे कहा था कि जो कुछ करो सोच समझ कर करो। मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरा ही मिलना ऐसी औरत से होगा जो ब्लैकमेलर होगी। समझने वाली बात है विनीता, अगर तुम सरोगेटिंग के लिए 15 या 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है तो किसी के मन में ये बात आ जाएगी कि तुम्हारे पास और कितना पैसा है। लालच मौके की वजह से ही पैदा होती है। दीदी, मुझे ये बताइए कि अब मैं इस औरत का क्या करूं? उसे पैसे दे दो और उसे छुटकारा पा लो। मगर वो पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरे पापा ने मुझसे ये कहा है कि हमें इससे ही सरोगेटिंग करवानी पड़ेगी ताकि वो सरोगेटिंग के कॉन्ट्रैक्ट में बन जाए। ऐसी गलती कभी मत करना। अगर उस औरत ने सरोगेटिंग के जरिए तुम्हारा बच्चा पैदा किया तो सोचो तुम उसके हाथ में ब्लैकमेल करने के लिए कितना बड़ा हथियार दे रही हो। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रखेगी विनीता। मगर मिताली दीदी,